हेलो फ्रेंड्स, आज जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं लाई हूँ वो है गुलदाउदी के बारे में। कैसे गुलदाउदी का पौधा हम लगाएं, क्योंकि देखिए कितना ही खूबसूरत ये आप देख सकते हैं गुलदाउदी का ही प्लांट है और फूल लगे हुए हैं इसमें। ये इतना सुर्ख पीला है कि जब मैं इसकी शूटिंग कर रही थी तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ केसरिया रंग बिखर गया हो। कितने ही हेल्दी फूल हैं। इस तरीके के जब फूल देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, और आपका भी दिल ज़रूर करेगा कि हमारे गार्डन में भी, हमारे गमले में भी इसी तरीके के फूल खिलें। तो ये फ्रेंड्स बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है और आप भी इस तरीके के फूल खिला सकते हैं। तो ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। गुलाबी रंग की गुलदाउदी आप देख सकते हैं, भर भर के फूल खिले हुए हैं। इस तरीके के फूल आप भी उगा सकते हैं और बहुत ही आसान है। विशेष तौर पर इसके जो फूल होते हैं इसकी कटिंग तैयार की जाती है, कटिंग के द्वारा ये पौधा लगता है। और सितंबर महीना बिल्कुल उपयुक्त महीना होता है। सितंबर में आप सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसकी कटिंग को ज़मीन में लगाइए ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। आप देख सकते हैं पीले रंग के जो फूल हैं इतने ज़्यादा पौधे में लगे हैं कि इस पौधे को हमें बांधना पड़ गया है, नहीं तो पूरा ज़मीन में गिर जाता। क्योंकि जब ह्यूज फ्लावरिंग होती है तो पौधे पर वजन बढ़ जाता है, इसलिए या तो इसमें स्टैकिंग कर दें या इसको बांध दें। फ्रेंड्स, जब इसको आप छुएंगे तो इसकी जो फीलिंग है, एहसास, तो आप तभी फील कर सकते हैं जब आप इसको छुएंगे। तो इस तरीके के फूल आप भी अपने घर में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। बस कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। क्यारी में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। तो सारी जानकारी जानने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए पौधों की जानकारी मिलती रहे। तो बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बैगनी कलर का गुलदाउदी है और फूल कितने ही खूबसूरत हैं। इसको भी आप देखते हैं, छोटा सा पौधा और पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो इसमें बहुत छोटी सी तकनीक भी यूज की जाती है जब आप पौधा लगाते हैं। जैसे कि जब मैंने पौधा लगाया था तो आप देख सकते हैं कि एकदम गुम्बद टाइप का, जैसे कि गुम्बद टाइप का एकदम कसे हुए फूल इसमें हैं और छूने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। खासकर इसकी खुशबू भी बड़ी भीनी भीनी खुशबू भी आती है। तो इसको, इस फ्लावर को अगर आप लगाएंगे तो इसके ब्यूटीफुल ब्यूटीफिकेशन के साथ साथ आपके घर में खुशबू भी फैल जाएगी। इसको विशेष तौर से आप बेड में लगा सकते हैं जहाँ क्यारियाँ हों, और इसको गमले में भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पिंचिंग किया था तभी इसमें सारे फूल आ गए। आप देखिए ये वाइट स्नो वाइट कलर का गुलदाउदी है जो कि काफ़ी भर भर के खिलता है। तो इस तरीके से आप गुलदाउदी लगाकर अपने घर को अच्छा बनाएं। इसके साथ ही इसको कैसे इसकी तैयार करें, कटिंग, ये जानना जरूरी है। लास्ट ईयर देखिए जो पौधा हमारा तैयार था उसी से हमने कटिंग निकाल लिया है। कटिंग कर करके इसको रख लेना, इसका फूल को तोड़ देंगे और इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग हमें बना लेनी है उसी समय जब हमारा पौधा जो है फूल खिलने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हमारा पौधे से आप ये कटिंग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है जिसमें आप पुराने पौधों से कटिंग तैयार करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं। 10 से 10 इंच तक लंबाई की कटिंग होनी चाहिए, 2 से 3 पत्तियां होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि इसके प्लांटिंग प्रो ट्रे में कैसे करें। इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी। आप देखिए मिट्टी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं रहने चाहिए। इसके साथ आपको वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट भी इस मिट्टी में थोड़ा सा मिला दीजिए। इसके बाद हम लेंगे कोकोपीट। कोकोपीट में हम आधा कोकोपीट लेंगे और आधे से आधे भाग में हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और मिट्टी डालेंगे, यानी कि इसमें कोकोपीट का मात्रा हमें ज़्यादा रखना है। इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। कोकोपीट में जो कोकोपीट होता है इसमें मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी होती है, यानी कि नमी को सोखता है। इसलिए काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इसमें नमी बने रहने से जो रूट्स होती है उसका विकास अच्छा होता है। तो इसलिए कोकोपीट को का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम मिट्टी में लगा देंगे तो मिट्टी में क्या होगा कि नीचे जो उसकी जो मिट्टी होती है डेंस हो जाएगी, सख्त हो जाएगी और उसमें रूट्स आने में दिक्कत होगा। तो कोकोपीट जो होता है इसमें रूट्स अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्रो ट्रे लिया हुआ है और प्रो ट्रे में हम एक एक करके सारे खानों को अच्छी तरीके से भर देंगे। कोकोपीट हमेशा हल्का होना चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी देने से क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिशन मिल जाता है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलने से भी पौधे को ताकत मिलती है, यानी कि भोजन की मात्रा पौधे को उपलब्ध होती रहती है न्यूट्रिशन उपलब्ध होने के कारण। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो कोकोपीट है वो हम सारे खाने में पूरी तरीके से भर दिए हैं। और कोकोपीट भरने के बाद इसमें क्या करना है कि जो कटिंग्स हमने लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की जो कटिंग्स हमने तैयार करी थी वो कटिंग्स हमें इसमें लगा देनी है। इसमें एक कॉलम छोड़ के हमको कटिंग लगाना है, क्योंकि उसके बाद ये कटिंग बढ़ेगा तो इसमें जगह नहीं बचेगी, इसलिए हमको एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में इसको लगा देना है।
इससे क्या होगा कि एक प्रोट्रे में कई सारे पौधे हमारे लग जाएंगे और अच्छी तरीके से ये ग्रो भी करेंगे। देखिए पूरी तरीके से हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इसमें सड़ने गलने का रोग हो जाता है, तो इससे बचाने के लिए हमको इसमें कवकनाशी का स्प्रे करना होगा। पानी में मिलाकर हम कवकनाशी का स्प्रे कर दें। डाइथेन M45 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से पौधा सड़े गड़ेगा नहीं। अब सीधे पौधे से काट कर इसकी रोपाई कैसे कर रहे हैं ये भी विधि आपको बताते हैं। ये देखिए पिछले साल का मेरे पास गुलदाउदी लगा हुआ है। अब डायरेक्ट इसमें हम कटिंग कर लेंगे और जो भी हमारे पास जो पुराना पौधा है वो हमेशा ऐसी जगह पे ही रखना चाहिए जहाँ की ऊंचाई हो ताकि बरसात के समय पौधा सड़ेगा गड़ेगा नहीं। देखिए मेरे ऊंची रिजेज बनाकर मैंने इस पौधे को लगा रखा था, पूरे साल से ये पौधा सुरक्षित है। अब इसी से हम छोटी छोटी टहनियों को काट लेंगे। 10 सेंटीमीटर लंबाई की टहनी को काट लेंगे जिसमें 2 से 3 पत्ती लगी रहेगी। और क्योंकि मैच्योर टहनी को ही लेना है, मैच्योर टहनी में से रूट्स अच्छी निकल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुराना पिछले साल का पौधा है उसी से हम सारी कटिंग्स को तैयार कर रहे हैं। ये देखिए एक एक करके सारी पत्तियों को हटा देना है, अच्छे से हटाना है ताकि तना किसी प्रकार से डैमेज ना हो। और इस तरीके से हमारी ये कटिंग तैयार है। तो अगर आप चाहते हैं अभी कटिंग को लगाना तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कटिंग्स को लगा के रेडी कर लीजिए। इस तरीके से आपको खुरपी के माध्यम से कटिंग्स को ज़मीन में लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग्स आपकी रेडी हो जाएगी। तो आप जानेंगे कि कैसे पॉली बैग में कटिंग को लगाएंगे। इसके लिए देख सकते हैं कि आप हमने इसमें मिट्टी लिया हुआ और साथ में कटिंग्स और पॉली बैग में जो मिक्सचर हमारा है इसको भर देना है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको लेना होगा 1/2 बर्मी कंपोस्ट, 1/2 सॉइल और 1/4 इसमें बालू भी मिला देनी है ताकि अच्छे से मिट्टी भुरभुरी रहे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका पॉलीबैग तैयार और इसमें इस तरीके से कटिंग को आपको लगा देना है। तो कटिंग जो आपकी जो है वो रेडी हो गई है और तो इसके बाद इसको पानी डाल देना है। और देखिए लगभग 2 महीने बाद इस तरीके से आपका कटिंग्स रेडी हो जाता है। और अभी जब अक्टूबर के महीने में कटिंग्स आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा, इसमें नए नए कल्ले आने लगेंगे, तब आप इसको दूसरी जगह पर निकाल कर रोपाई कर देंगे, यानी कि पॉली बैग से निकाल कर आप इसको हटा देंगे। और रोपाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि इसमें बडिंग भी शुरू हो गई है। इसमें आप पिंचिंग कर देंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि मुख्य टहनी को तोड़ देने की प्रक्रिया को ही पिंचिंग कहा जाता है। देखिए इसके बाद हमने इसको इस मिट्टी में लगा देना है। जो कटिंग हमने तैयार करी थी उसको हम मिट्टी में लगा देंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्टूबर और 15 नवंबर तक लगभग ये इसी तरीके से बढ़ता रहता है। और 15 नवंबर के बाद जब टेम्परेचर डाउन होता है यानी कि तापमान कम होता है तो इसमें ढेर सारी कलियाँ आ जाती हैं और ये खिलने की प्रक्रिया इसकी प्रारंभ हो जाती है। तो जितना जल्दी आप लगाएंगे उतनी जल्दी ये पौधा इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी, जिससे कि इसमें बहुत सारे फूल आएंगे, बहुत सारे इसमें कलियाँ आएंगी। लेकिन जैसे जैसे डिले करेंगे तो इसमें जो नए नए किले होते हैं वो कम आते हैं, कलियाँ भी कम आती हैं और आपका पौधा ज़्यादा घना नहीं हो पाएगा। इसलिए 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको पौधा ज़मीन में रोप देना है तो आपका पौधा इस तरीके से आगे आने वाले 2-3 महीनों में घना हो जाएगा। ये देखिए इसमें शुरुआती दौर में ही पौधे में कितने सुंदर सुंदर फूल शुरू हो गए हैं, ये पर्पल कलर का। लगभग 50 दिन के बाद इस तरीके से फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि लगभग 1.25 महीना के बाद ही आप देख सकते हैं। और 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से फूल पूरे भर जाते हैं, चारों तरफ फूली फूल खिल जाते हैं। छोटा सा पौधा फूली फूल खिल गए हैं। और इस पौधे में अगर आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो इसको थोड़ा अर्ली लगाएंगे तो ये ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पौधा थोड़ा सा लेट प्लांटिंग था यानी कि देरी से लगा था, इसलिए पौधे का साइज कम रह गया और फूल भी थोड़े ही रह गए, लेकिन गुच्छे भर चुके हैं। इसमें मैंने पिंचिंग की प्रक्रिया करी थी जिसमें कि पौधे में से देखिए बीज की टहनी तोड़ दिए थे और नंबर ऑफ फ्लावर्स इसमें बढ़ गए क्योंकि टहनियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है पौधा लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स अगर ये सारी प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो अभी अच्छा टाइम है, आप लगा सकते हैं। तो भर भर के फूल देखिए इस तरीके से आपके भर भर के फूल आएंगे गुलदाउदी में और आपका जो बगिया है चारों तरफ खिलखिला जाएगी, महक जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय, फिर मिलेंगे।